हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम सभी का 12th क्लास है, 12वें दिन है, और आपको मैं आज बताने वाला हूँ Ubuntu को कैसे इंस्टॉल करें। इसके पहले हमको प्रीवियस में बता चुका था आप सभी को मैं कि Ubuntu और आपको माइक्रोसॉफ्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो उसके बाद अब Ubuntu को इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करना, प्रोसेस ऑफ इंस्टॉल ऑफ Ubuntu, Ubuntu को इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है वो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। स्टेप वन, चरण वन को बोलते हैं स्टेप वन। तो सबसे पहले आपको क्या करें कि जो Ubuntu है उसके सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लें। क्या करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करें और Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बूट योग ड्राइव बना रहे हैं। तो आप क्या करना है कि एक आपको ड्राइव है उसे बूटेबल बना करके उसमें डाल लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप टू, बूटेबल के मतलब यहाँ पे है कि आप अपने पेन ड्राइव या कोई भी पेन ड्राइव वगैरह हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हार्ड डिस्क आप कोई ले सकते हो और उनमें से आप उसे बूटेबल बना करके उसे आप डाल ले। उसके बाद जब आप डालोगे तो चरण टू में, स्टेप टू में क्या करना है, तो जैसे आप उसमें अपने डालोगे, इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद आपको वहां चुनने के लिए देगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको कुछ इस प्रकार से फिगर मिलेगा जो आपको दिखा देता हूं। तो आपको यहां जैसे आप डालोगे उसके बाद इंस्टॉल Ubuntu और ट्राई Ubuntu, तो आपको यहां पे क्लिक करना है इंस्टॉल Ubuntu पे। ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो इंस्टॉल Ubuntu पे जाओगे, इंस्टॉल Ubuntu पे जैसे जाओगे उसके बाद आपको तुरंत ये आप जो मैं यहां पे लिखा हूं वो चीज आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और मैं आपको इमेज के हेल्प से समझा देता हूं। जैसे आगे करोगे वैसे आपको यहां से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल Ubuntu। तो यहाँ पे आपका एक है डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग Ubuntu और एक है इंस्टॉल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहने का अर्थ हुआ कि आपने अभी हार्ड डिस्क और जो पेन ड्राइव में जिसमें आप रखे थे उसको जो लगाया था उससे आपको करना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, तो उसे आप करना थर्ड पार्टी क्योंकि आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव नहीं है। तो अब यहाँ पे जैसे करोगे इंस्टॉल तो आप इसे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको बताता हूँ कैसे इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट देगा, अपने स्क्रीन में को निम्नलिखित चार विकल्प मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu ये आपका लिखा होगा। तो इसमें क्या करना है, डिस्क को इरेज करना है। डिस्क को इरेज करने का मतलब जो आपके सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो मान लीजिए उसे आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो अब उसे हटाना है तो यहाँ पे क्या करोगे, इरेज डिस्क और इंस्टॉल Ubuntu पे क्लिक करोगे और इंस्टॉल, तो ये चेक कर दोगे इंस्टॉलेशन क्या जाता है। यदि डिस्क पहले से ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम था तो Ubuntu को पता लगाए कि उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम साथ इंस्टॉल करने का विकल्प देगा। तो आप चाहते हो कि इंस्टॉल Ubuntu भी करूं और दूसरा है जो पहले से वो भी रहे, तो आपको इरेज नहीं करना होगा। और आप चाहते हो उसे बिल्कुल समाप्त करके इंस्टॉल करें तो आप इसे रख सकते हो। अब है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे इनक्रिप्ट द न्यू Ubuntu इंस्टॉल फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट वाला में मांगे तो आपसे क्या करना, इंस्टॉल द इनक्रिप्ट करने के लिए विकल्प होता है ऐसे के लिए ताकि अन डेटा चोरी करता है और डेटा डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको होंगे उस पर आपको भी क्लिक करना है, उसपे यूज लिबियम विद Ubuntu इंस्टॉलेशन। जब ये आप करोगे तो इसके बाद स्नैपशॉट आपको कुछ इस तरह से फिगर मिलेंगे, आपको इमेज से दर्शाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल समथिंग, देखिए चार ऑप्शन में आया यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu, इनक्रिप्ट एंड न्यू Ubuntu इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी, यूज LBM न्यू इंस्टॉलेशन Ubuntu और समथिंग एल्स। तो आपको क्या करना है, तो आप चाहते हो कि बिल्कुल जो पहले के मेरा जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन उसे क्या करना, हटा देना है। तो आप इसे हटा सकते हो अगर आप जो पहले वाले लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, आप स्पीकर को समझिए। आपको इंस्टॉलेशन का टैप यहाँ पूछेगा, इसमें फर्स्ट वाले में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्विट बेक और इंस्टॉल, बेक करने का मतलब क्या चलेगा, आपको पूछ सकता है कि आप यहाँ गलती से समथिंग एल्स या किसी चीज पे आप क्लिक कर चुके हैं, अब वो गलत हो चुका है। तो आप तुरंत क्या करोगे, बैक जाओगे, फिर से आप करोगे तो यहाँ अगर सही है तो अब इंस्टॉल नाउ, अब इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा
कुछ इस प्रकार से, तो निम्न स्क्रीन में इरेज डिस और इंस्टॉल अबंटू को सिलेक्ट करें। तो आपने क्या सिलेक्ट किया है, इरेज डिस और अबंटू को। तो जैसे आप उसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा, तो एक मिलेगा तुरंत आपको गो बैक और कंटिन्यू। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे तुरंत क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे जगह मांगा जाएगा आप कौन सा जगह से है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोलकाता सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। कोलकाता क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा टाइमिंग है उसके आधार पे यहाँ पे कोलकाता को हम सेलेक्ट करते हैं। आप कोई भी स्टेट से हो तो आप एनी हाउ कोलकाता को ही सेलेक्ट करें। उसके बाद भाषा को आपको करना है, लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज आपको यहाँ इंग्लिश करनी चाहिए यूएस वाला, तो आप इसे करोगे यूएस और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा। तो इस इंटरफेस में क्या करना है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि योर नेम, तो आपका नाम क्या है। तो आप अपने नाम के यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स, सॉरी यहाँ पे आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी के द्वारा। अगर आप चाहें अपना अपना नाम लिख सकते हो, योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का नाम क्या जो चाहे वो लिख सकते हो। पिकअप यूजर नेम, अपना यूजर नेम में जो चाहो वो रख सकते हो। क्यू या पासवर्ड, जो पासवर्ड रखेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको तुरंत इंक्वायरी माय पासवर्ड टू लॉगिन, तो इस पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे करोगे कंटिन्यू पे क्लिक, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अब सिस्टम इंस्टॉल के साथ आगे बढ़ेगा, तो प्रगति देखा जाएगा और इस प्रकार से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब इंस्टॉलिंग में डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा आपको सिस्टम है वह समय लेगा, समय लेगा, तो आपको वन बाय वन करना, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो आराम से आपको हो सकता है ये आगे आधे घंटे एक घंटे तक से मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम एक घंटा लेगा और हो सकता है कि आधा घंटा भी समाप्त हो जाएगा। स्किप आप नहीं करेंगे, स्किप करोगे तो बहुत कुछ आपसे छूट जाएंगे, फाइल बनेंगे लेकिन वो चीज सफिशियंट आपको आगे वर्कआउट करने में आपको अच्छा नहीं रहेगा, उस पर वर्कआउट नहीं करना, इसलिए स्किप करना उचित नहीं है। अब उसके बाद जब यह हो जाएगा उसके बाद रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन देगा, तो आप रीस्टार्ट करेंगे ताकि आपका सिस्टम जो होता है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से जब ओपन करोगे तो ये आपको बिल्कुल एक मौका मिल जाएगा आपको वर्कआउट इस पे करने का, और इसे बोल सकते हैं रिबूट करने को कहेगा या रीस्टार्ट करने का, तो रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे और इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे अब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपने अभी यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया था इंस्टॉलेशन सेट करने के समय, उसी को आप यहाँ कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जिस नाम से उसी नाम यहाँ खुल जाएगा, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस फायदा खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा मोजिला फायरफॉक्स है या फिर आपके जो कुछ है वो यहाँ पे आपका पहले से है। तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर है, कैल्क है, और ये सभी आपके टोटल इसमें चीजें यहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा और इस प्रकार से हम अबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। तो धन्यवाद बच्चों यहाँ इस प्रकार यहाँ तक देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।